नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार। आज इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में मैं आपको सीमाफोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सीमाफोर्स बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो सीमाफोर्स को प्रपोज किसने किया था? एड्सकर डिजिक्स्ट्रा। आपने बहुत इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के नाम से। ठीक है, तो सीमा फोर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्निक टू मैनेज कॉन्करेंट प्रोसेसेस यूजिंग अ सिंपल इंटीजर वैल्यू नोन एज सीमा फोर। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस जितनी हमारी चल रही होंगी, मीन पैरेलल में जितनी चल रही होंगी, उनको मैनेज करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। और इसमें हम टेक्निक में एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं जिसको हम सीमाफोर के नाम से जानते हैं। इट इज सिंपली अ वेरिएबल विच इज नॉन नेगेटिव एंड शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स। ये एक सिंपल वेरिएबल होता है जो कि नॉन नेगेटिव होता है और थ्रेड्स के बीच में हम उसको शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमाफोर क्या हो गया, इसको हम एस से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इट इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इज एक्सेस्ड ओनली थ्रू टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस। टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस कौन से हो गए? वेट हो गया और सिग्नल हो गया। ठीक है, वेट को हम पी से डिनोट करेंगे और सिग्नल को हम वी से। अब देखते हैं पी और वी ये हैं क्या बेसिकली। ये चूंकि एक डच साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, तो इसलिए डच ने जो एक उनके जो अल्फाबेट्स थे, ठीक है, तो प्रोब्रन नाम से एक जो इसका स्टार्टिंग का पी अल्फाबेट ले लिया। ठीक है, तो उस वर्ड को उसने यूज किया जिसका मतलब था टू टेस्ट। वेट में जो हम पी वेरिएबल लेंगे उसका मतलब क्या हो गया? टेस्ट करना। ठीक है, देन हम आते हैं किस पे? सिग्नल पे। सिग्नल का मतलब ये हो गया आपका वी। वी मतलब क्या हो गया? डच वर्ड कौन सा है आपका? वरहोगन। वरोगन जो वर्ड है उसका उसने फर्स्ट इनिशियल अल्फाबेट कौन सा ले लिया? इसने वी ले लिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? टू इंक्रीमेंट। तो वेट मतलब टू टेस्ट और सिग्नल मतलब टू इंक्रीमेंट। ठीक है, तो दो वेरिएबल आपके हो गए, पी फॉर वेट और वी फॉर सिग्नल। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीमाफोर्स पे। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सीमाफोर्स। पहला हो गया बाइनरी सीमाफोर्स जिसको आप म्यूटेक्स के नाम से जानते हो, और दूसरा काउंटिंग सीमाफोर हो गया। बाइनरी सीमाफोर में सिर्फ दो वैल्यूज होती है, जैसे नाम से पता होता है। जैसे बाइनरी का मतलब क्या होता है? जीरो और वन। जैसे कंप्यूटर भी कौन सी भाषा समझता है? जीरो और वन, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें केवल दो वेरिएबल्स आपके यूज होंगे, जीरो और वन। यूज्ड फॉर लॉकिंग रिसोर्सेस जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रोल होगा। मीन्स इसमें क्या, इसको हम क्यों यूज करेंगे? जिसमें जो रिसोर्सेस है उसको लॉक कर दिया जाएगा। लॉक क्यों किया जाएगा? क्योंकि कुछ देर के लिए काम हो रहा होगा। जैसे रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तो जो सीट बुक हो रही होती है उस थोड़े टाइम के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ी देर के लिए वो चीज लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि एक सीट दो पर्सन को या तीन पर्सन को मिल जाए। सेकेंड हम आते हैं काउंटिंग सीमाफोर्स पे। ये इसमें क्या होता है? कैन टेक एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ले सकता है क्योंकि काउंटिंग हो रहा है, इससे हम याद रखेंगे। ये जो काउंटिंग सीमाफोर्स होता है बेसिकली यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। ये किसके लिए यूज होता है? कि जो रिसोर्सेस है उनको जो एक्सेस हो रहे होंगे उसको कंट्रोल भी कहीं ना कहीं अपन को करना होगा ना। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा किसी को ऐसा रिसोर्स मिल जाए, बिल्कुल ना मिले। मतलब कुल मिला के बराबरी से सबको रिसोर्सेस प्रोवाइड कराना रहेगा ताकि सबका काम हो जाए। ठीक है, तो बाइनरी और काउंटिंग दो इसके सीमाफोर्स के टाइप्स हो गए। अब हम आते हैं इसके ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस होंगे दो, वेट सिग्नल। पी फॉर वेट ऑपरेशन एंड वी फॉर सिग्नल ऑपरेशन। पी का मतलब क्या हो गया? डिक्रीजेस द सीमाफोर वैल्यू। वेट करना है तो सीधी सी बात है, सीमाफोर की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि उसको इंतजार करना है। इफ द वैल्यू इज लेस देन जीरो द प्रोसेस इज फ्लॉप। अगर मान लो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, अगर लेस देन जीरो हो जाती है मीन्स माइनस में चली जाती है, तो इसका मतलब हो गया जो प्रोसेस है वो क्या हो गई? आपकी ब्लॉक्ड हो गई। दूसरा हम आते हैं वी सिग्नल ऑपरेशन पे। इसमें क्या हो गया? सिग्नल मिल गया मींस आपका काम स्टार्ट हो रहा है। हम आप जैसे ट्रेन को सिग्नल मिल जाती है तो उस स्टेशन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो इंक्रीजेस द सीमा फॉर वैल्यू।
देयर आर एनी ब्लॉक प्रोसेसेस वन इज अनब्लॉक, कोई मान लो सिग्नल मिल चुका है, कोई मान लो एक ब्लॉक प्रोसेस हुई भी, तो वो क्या कर रहा है उसमें से एक को वो अनब्लॉक कर देगा ताकि वो अपना सिग्नल मिल चुका है ना, मीन्स इस प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूशन के लिए आगे कंटिन्यू करना है। ठीक, अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला एडवांटेज क्या होगा, प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंट प्रोसेसेस, एक सिंक्रोनाइजेशन का काम करेगा जो कॉन्करेंट प्रोसेसेस होंगी। जैसे आपने मोबाइल पे और आपके लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे अपना ईमेल आईडी खोलते हो, ठीक है, सिंक्रोनाइज करते मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई चीज किसी को मेल सेंड करते हो, कोई मेल आती है तो हमारा चूंकि लॉगिन रहता है मोबाइल पे, तो दोनों जगह पे जितनी भी जगह आपका लॉगिन होगा वो ऑटोमेटिकली चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, मीन्स कोई चेंजेस होंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगे। दूसरा हो गया एंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड रिसोर्स शेयरिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब इसमें ये देखा है ताकि एक ब्लॉक कम से कम, जो जैसे हमने प्रीवियस में देखा था ना, एटलीस्ट वन इफ इन देयर आर एनी ब्लॉक प्रोसेसेस तो वन इज अनब्लॉक, कोई ब्लॉक प्रोसेस है उसमें से कोई एक को अनब्लॉक कर देगा, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आता है। तो ये क्या करेगा, एंश्योर करेगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है और ताकि वो रिसोर्स की शेयरिंग कर पाए जिससे कि वो काम हो सके। नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्व्स डेडलॉक एंड स्टार्वेशन प्रॉब्लम्स इन सम सिनेरियो, और ये किसकी प्रॉब्लम को, डेडलॉक या स्टार्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डेडलॉक मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज एक ही रिसोर्स किसी दो प्रोसेस को चाहिए और कोई भी प्रोसेस रिलीज करना नहीं चाहती, जब रिलीज नहीं करेगी उस प्रोसेस को तो वो दूसरी दोनों प्रोसेसेस का काम नहीं हो पाएगा। स्टार्वेशन में क्या हो गया, बहुत टाइम से कोई प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही है कि भाई मुझे रिसोर्स मिल जाए या मुझे सीपीयू काउंटर दे दे, टाइम दे दे, तो मैं अपने प्रोसेस को क्या करूँ, एग्जीक्यूट करूँ। तो ये दो टर्म आ गए, डेडलॉक और स्टार्वेशन। इस प्रॉब्लम को क्या करता है, ये सीमाफोर सॉल्व करता है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, इसमें क्या हो गया, पहला हो गया इनकरेक्ट यूज कैन लीड डेडलॉक, मतलब अगर गलत तरीके से इसको यूज कर लिया गया तो डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। दूसरा हो गया डिफिकल्ट टू मैनेज इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कुछ जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा हो गया आपका ओवरहेड इन मैनेजिंग ब्लॉक प्रोसेसेस, ब्लॉक प्रोसेसेस जितनी है उनका ओवरहेड बढ़ जाएगा क्योंकि देखनी पड़ेगी कितनी प्रोसेसेस ब्लॉक हो गई है, अगर जब हमें सिग्नल मिल रहा है तब किस प्रोसेस को अनब्लॉक करें, ठीक है। मान लो 5 प्रोसेसेस अनब्लॉक पड़ी है तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू अनब्लॉक अ प्रोसेस, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज होता है। कंक्लूजन में अगर हम पहुंचे तो क्या होता है, सीमाफोर्स आर एसेंशियल्स फॉर मैनेजिंग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीमाफोर क्या बेसिकली रोल प्ले करता है, जो प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन है और उसका रिसोर्स का जो एलोकेशन है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इनको मैनेज करने का, ठीक। और क्या हो गया, दे प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग कॉमन कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट्स। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी कॉन्करेंसी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उसको सॉल्व कर सको। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपके मान लो 4 केबिन्स है, 4 केबिन्स में इसमें ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक। तो इस रेस्टोरेंट में अभी तो फिलहाल सारा एम्प्टी है, जितनी भी सीटिंग केबिन्स हैं ये 4 केबिन्स हैं, चारों एम्प्टी हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, सिक्योरिटी के पास ये लोग जो आएंगे, दो लोग दो कपिल हैं, तो एवरी टाइम गार्ड चेक करेगा अवेलेबिलिटी की ये केबिन खाली है या नहीं, अगर अभी तो खैर सारे खाली हैं, इफ अवेलेबल तो इनको क्या बोलेगा, इन कपिल को, वेलकम सर प्लीज गेट इन, आपका स्वागत है, आप इसमें अंदर आइए इस रेस्टोरेंट में, ठीक है। अब फिर से कोई दूसरा और ये लोग आके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए ये वाली जगह, अब फिर से कोई और कपिल आया है, उन्होंने फिर से गार्ड से पूछा तो गार्ड ने क्या बोला कि गार्ड तो गेट पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो गार्ड ने फिर से अवेलेबिलिटी चेक की, अगर अवेलेबल हुआ अभी तो फिलहाल 3 अवेलेबल है, तो उसने फिर से इनका वेलकम किया इन कपिल का और बोला वेलकम सर प्लीज गेट इन, ठीक है। फिर तीसरा कपिल और आया, इसने भी ऑक्यूपेंसी ले ली यहाँ पे सेकंड वाले ने, तीसरा आ गया, फिर से गार्ड ने अवेलेबिलिटी चेक की, तो अवेलेबिलिटी तो है फिलहाल, दो अभी खाली है, तो इनको भी इन्होंने क्या किया, वेलकम सर प्लीज आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब इस तीसरा भी आ गया, चौथा का भी आया, तो हर बार जब चेक कर रहा है गार्ड कि तीसरा अभी भी खाली है,
हम इनको भी स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनको भी अंदर जाने की एंट्री दे दी। यहाँ पे फिलहाल देखिए चारों कैबिन्स फुल हो चुके, ठीक है। तो गार्ड बाहर खड़ा है, देख रहा कोई आता है तो उसको मना करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्यूपेंसी यहाँ पे नहीं है। अब फिर से और नेक्स्ट कपिल आ गया, तो उसने क्या बोला, हर बार जब गार्ड चेक कर रहा है तो उसने देखा कि बहुत सारे अभी जो जितने भी चार केबिन्स थे वो सारे अभी फिलहाल लॉक है, हाँ, तो अभी वहां पे खाली जगह नहीं है। इफ नो अवेलेबिलिटी, तो उसने क्या बोला, सॉरी सर, ऑल टेबल्स फुल, प्लीज वेट, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जित सारी टेबल्स फुल है आप प्लीज इंतजार कीजिए, ठीक है भाई। तो इस वाले डायग्राम में जब तक इंतजार ये करेंगे जब तक यहाँ से कोई इनको रिलीज ना कर दे, ठीक है। ये जैसे ही खाली होता है तब तक ये लोग वेट करेंगे और फिर ये अंदर जाने की इनको परमिशन देगा सिक्योरिटी गार्ड। सीमाफोर के टर्म्स में इस जो हमने एग्जाम्पल देखा उसको देखते हैं। रेस्टोरेंट क्या हो गया, एक रिसोर्स जहाँ पे जाके हमें वहां पे अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा खाना पीना है, ठीक है। टेबल्स क्या हो गए, इंस्टेंसेस हो गए जिसको यूज करके आप वो चीज खाएंगे, क्योंकि टेबल्स ही है ना कि आपकी खाली होगी तभी आप उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाओगे, वहां पे रेस्टोरेंट में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। कस्टमर्स, यहाँ पे कस्टमर ने क्या काम किया, थ्रेड्स का काम किया। थ्रेड्स क्या हो गए कि अगर जगह है तो वो वहां पे जाके अपना काम कर लेंगे, नहीं है तो उनको वेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी क्या हो गई आपकी, सिक्योरिटी को आप सीमाफोर, सीमाफोर जब हमने वेरिएबल देखा था ना, वो उस वेरिएबल वो चेक करेगा कि अभी कोई लॉक कंडीशन में तो नहीं है, या अनब्लॉक सिग्नल आता है तो उसको अनब्लॉक करें। तो हु नोज द स्टेटस, हाउ मेनी टेबल्स आर फ्री, ठीक है। सिक्योरिटी जो अपना सिक्योरिटी गार्ड था उसी को सिर्फ पता होगा कितनी अंदर का क्या स्टेटस है, कोई टेबल खाली है या नहीं है, तभी वो जाने देगा या फिर उनको रोक के रखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं दो चीजें, वेट और सिग्नल। वेट में क्या हो गया, एक केबिन इज ऑक्यूपाइड, जब केबिन अंदर भरा था तो सीधी से बात है वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, अवेलेबल -1, क्योंकि 0 से कम है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो क्या किया, व्हाइल एस इज लेस देन, एस क्या था अपना सीमाफोर था, एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस में जाएगा ये, ठीक। तो क्या, वेट ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स एस इट इज फॉल्स, पॉजिटिव, ठीक है। तो वेट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट कर देगा वैल्यू को, एस की वैल्यू को, ठीक है, अगर वो इसका यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो, ठीक। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिग्नल पे। सिग्नल में मतलब क्या हो जाएगा, केबिन इज फ्री, सिग्नल तभी देंगे ना जब कोई चीज फ्री होगी कि आप अब अंदर जा सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, अवेलेबल +1। जैसे यहाँ पे एक एक करके हमारे एग्जाम्पल में ये देखिए, एक एक करके लोग आ रहे थे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक आया, 3 खाली थे, उसके बाद हमारा 2 आया, तो इंक्रीमेंट हुआ ना, 1+1 2, फिर 1+2+1 3, 3+1 4, तो सारे ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपाई होगी अपनी, ठीक। तो इसमें तो सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट, सिग्नल ने क्या किया उस वैल्यू को क्या किया आपका, इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो ये हमारे सीमा फोर्स के जो एग्जाम्पल था इस टर्म्स में आ गया अपना, ठीक है। तो रिसोर्सेस चाहिए रहेंगे, इंस्टेंसेस चाहिए रहेगा, टेबल्स और सीमाफोर, ये चार चीजें चाहिए रहेंगी, ठीक। तो अब अपन इसमें देखते हैं सीमाफोरों के शॉर्ट में, अगर अपन देखें तो जो गार्ड था सबसे पहले उसने क्या किया था, हाय सर, अ केबिन इज फ्री, प्लीज गेट इन सर, मतलब क्या हो गया, इट इज सिंपली अ वेरिएबल यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन द मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरमेंट। क्या करेगा कि वेरिएबल है सीमाफोर, मींस ये सीमाफोर गार्ड जो था हमारा वेरिएबल था वो क्रिटिकल सेक्शन, ताकि वहां पे भीड़ ना हो जाए, अंदर जाके लोगों को वहां पे इंतजार ना करना पड़े, खड़े ना रहना पड़े, तो वो आपको पहले ही रोक देगा या फिर आपको पहले ही बता देगा कि आप अंदर खाली है, आप अंदर जा सकते हैं या आप यहाँ पे वेट कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट। यहाँ पे दो एटॉमिक ऑपरेशंस यूज होते हैं, वेट और सिग्नल, ठीक है। तो ये हमारा सीमाफोर, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में सीमाफोर्स के बारे में देखा, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आती हूँ, तब तक यू टेक केयर ऑल एंड थैंक यू।